के साथ एक वीडियो और सेल्फी तरह से बनती है। सो मैं हे एवरीवन, हे गाइस, सो कैसे हो? तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मूड ऑफ है। और सो हे एवरीवन, तो आज मैं बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ अपनी लाइफ का, और उस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान भी थी। अभी मैंने मम्मी से या डैडी से किसी से भी नहीं पूछा इस बारे में, बट मैं खुद ही पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अपने बालों को इतना टॉर्चर कर रही हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो इतनी परेशान होगी मैं, मतलब बचपन से लेके मैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होते हैं ना, उस टाइप की थी, बट जैसा चाहिए वैसा मिलता नहीं है, और अब मैं परेशान भी हो चुकी हूँ। पता नहीं मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी भी कि नहीं करूँगी, पता नहीं। तो मुझे पता नहीं है मैं इतना बड़ा डिसीज़न क्यों ले रही हूँ कि मैं इनको आज काटने वाली हूँ, और कुछ भी नहीं बता, बस मैं एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है उसके बाद। मैं ये काट रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, बट बचपन से ही मुझे जैसे छोटे बाल रखने का शौक था, और बाल हर टाइम मैं शीशे के सामने ही रहती थी बालों के लिए। बट यार लाइफ में इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, मतलब सारा दिन काम वाम, अभी भी ना यार मुझे रोना आ रहा है अपने बालों को देख के। और अब मैं कोई भी कटिंग कर सकती हूँ, कोई भी। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है मेरे बाल, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बाल थे, और मैं इनसे इतना परेशान आ चुकी हूँ ना, इतना ज़्यादा, मतलब जब भी इनको वॉश करती हूँ, धोने का टाइम आता है तो एकदम से ऐसे खराब हो जाते हैं, मतलब कहीं से ऐसे मुड़ जाता है क्या, मतलब हेयर फॉल इतना ज्यादा, मतलब बाल टूट रहे हैं, मतलब अब टूट जाओ, जितना टूटना है ना तुम्हें टूट जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़ने की नहीं। मम्मी पता नहीं क्या कहेगी, मम्मी को पता भी नहीं है कि भाई मैं बाल कटवा रही हूँ या कुछ भी। तो जब मैं छोटी थी तो मतलब जो ये बाल है ना मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे कम है, मतलब बचपन से ही कम है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को उस टाइम पे बाल मतलब ऐसे जैसे इतनी कटिंग होती है ना, इतनी कटिंग रखने का शौक था, तो मेरे को करवाने चले जाते हैं, जैसे बाल अच्छा रहता है छोटे बच्चों को कटवा के, तो मुझे ले जाते थे नाई के, जैसे नाई के जाते हैं बाल कटवाने के लिए। तो मैं इतनी रोती थी कि भाई मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे अपना हेयर स्टाइल रखना है, लेकिन हेयर स्टाइल की तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मम्मी ना मेरे को मारने वाली है, जूते चप्पल जो मिलेगा ना सबसे मारने वाली है। बट यार किसी को मेरी परेशानी नहीं समझ में आएगी, मम्मी को लगेगा कि तुमने बाबा के नाश करवा रखा, सारा दिन इनमें कभी कलर करवाती है, कभी क्या यार क्या कर दिया मैंने। और ये देखो इनको देख देख के मतलब मुझे इमोशनल भी फील हो रहा, हल्का हल्का भी फील हो रहा है यार। जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे किसी की सुननी नहीं है, जो मुझे करना मैं तो करूँगी, मतलब मैंने इतनी सुन ली दुनिया की, लेकिन अब नहीं सुनना यार। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी या नहीं, क्योंकि इतनी स्टूपिड लग रही हूँ मैं, इतनी ज़्यादा स्टूपिड कि क्या हरकत कर रही हूँ मैं। एक लड़की के लिए उसके बाल इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, और मैं ऐसे कुतर रही हूँ कुतरती जा रही हूँ। बट यार
बहुत ज्यादा गट्स चाहिए एक लड़की के लिए उसके बाल काट। आपने इतनी सारी वीडियो देख ली होगी मेरी बाल कट करने की, और ये मैं बता रही हूँ बस मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बाल रखने की ही नहीं है, सारे में बाल बाल हो गए यार। तो आफ्टर इतने सारे बाल कटिंग होने के बाद, इतने सारे बाल, और अब मेरी ये हालत है बालों की, काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ मैं। मन कर रहा है मतलब इनको भी काट लूँ, मैं सच बता रही हूँ, मतलब इतने ज़्यादा, और कलरिंग के कारण इतने ज़्यादा डैमेज हो गए ना मेरे बाल, इतने ज़्यादा डैमेज कि मैं इतनी परेशान हो गई थी यार। 2000 के शैम्पू लगाकर पता नहीं क्या कर लिया मैंने इनके लिए, लेकिन ये ठीक होने की बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे ठीक होने का। और अभी तो मम्मी का रिएक्शन भी देखना है। तो गाइस कोई देखा है मेरे जैसा पागल, मेरे जैसा पागल कोई देखा है? ये देखो क्या कर लिया, क्या कर लिया मैंने अपने बालों के साथ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कमरे से बाहर निकले, लॉक लगा रखा है मैंने कमरे का, मम्मी मुझे छेदने वाली है, और मैं ये रिएक्शन रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी पिटाई होते हुए आप थोड़ी ना देखोगे। आज ना मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब अपने बाल कटिंग करके ना, बचपन से सपना था एक कटिंग करने का बाल की, कि भाई कटिंग करो। अब तो मैं नाई भी बन चुकी हूँ, नाई वर्ड ठीक रहेगा नहीं पता नहीं, पर मैं नाई बन चुकी हूँ। अगर आपको भी अपने बाल कटवाने हैं तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अब एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे बाल काटने का। और ये देखो कितने सारे कपड़ों पर बाल ही बाल हो गए मेरे, मैं ऐसे बैठी हुई जैसे क्राइम करके बैठ नहीं जाता, कि किलर क्राइम करके बैठ जाता है। अब मेरे को समझ नहीं आ रही साल में मैं घर बाहर कैसे जाऊँ यार, हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा अब से ना, मेरे को बिग बॉस खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा इस हालत में मैं कैसे जाऊँ। वैसे मेरे को रोना आना चाहिए, मैंने अपने बाल काट लिए और मुझे डांट पड़ने वाली है, लेकिन मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? रोना क्यों नहीं आ रहा तुझे? तो भाई बालों के साथ एक वीडियो और सेल्फी तरह से बनती है, हाय मेरे बाल। वैसे अगर आप मुझे पागल बुलाना चाहते हैं तो मेरे पीठ पीछे पागल मत बुलाओ, से टू माय फेस से। पता नहीं इस कांड के लिए मेरे घर के मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, कोई नहीं कर देंगे, घर से बाहर थोड़ी ना निकालने वाले हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं मुझे मेरे कमरे के अंदर बंद हुए, बाहर निकलने की अभी तक हमें हिम्मत नहीं आई है, ट्राई करेंगे। तो फाइनली यार मैं गेट से बाहर निकलती हूँ, मम्मी पता नहीं कहाँ है, वो तो यहाँ नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो मेरे को भूख लगी है, देखते हैं फ्रिज में क्या खाने को है। तो भाई हमारे फ्रिज में कुछ नहीं है, ये आलू कटा हुआ है, दूध है, चलो दूध ही पी लेते हैं। एक तो हम दूध पीते हैं। तो वापस से मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ। तो गाइज मैं बाद में आपको मम्मी का रिएक्शन ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे तो पता है मेरी तो पिटाई होने वाली है, मम्मी शायद बाहर गई है कहीं, मुझे भी नहीं पता अभी कहाँ गई है, मैं भी कमरे के अंदर ही थी, तो शायद गाँव में गई होगी इधर उधर। तो जब आएंगी तब देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, मैं पिटाई वाला तो इसमें वीडियो क्लिप ऐड नहीं करने वाली। और मैं ये भी कंफ्यूज हूँ कि मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी भी या नहीं करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो गाइस ठीक है बाय, मैं ये सब साफ सफाई कर लूँ, मैंने बाल काट तो लिया, मुझे पता नहीं क्यों तरस आ रहा अपने आप पे। ठीक है बाय, शक्ल पे 12 बज रहे हैं, हालत ख़राब है, इसकी साफ़ सफाई करनी है, ज़िंदगी नरक बन चुकी है और कुछ नहीं।